हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर अब राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पराली जलाने को लेकर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का कहना है कि वो पराली जलाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ है। किसानों के खिलाफ मुकदमे बनाए जाने की उन्हें जागरूक किया जाना जरूरी है। एनजीटी के नियमों को आज तक की सरकारें लागू नहीं करवा पाई। निशान सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों और प्रदेशवासियों की मांगों को उचित तरीके से मनवाने के लिए एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय किया जा रहा है, जिसके लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। एनजीटी की जो सिफारिशें हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, वो कहीं ना कहीं सरकारें फॉलो नहीं कर पाई और एनजीटी ने बहुत सारी सरकारों को फाइन भी किए हैं, उनको सख्त चिट्ठियां भी लिखी हैं और अभी तक कोई भी सरकार किसान को वो जो जरूरत थी वो मुहैया नहीं करवा पाई। दुष्यंत जी अब सरकार में हिस्सेदार हैं, हमारी कोशिश रहेगी, हमारे विधायकगण भी बैठे हैं, ये भी उठाएंगे इस बात को हाउस के अंदर, और दुष्यंत जी से भी बातचीत हुई है पूरी तरह से कि हम किसान को जो एनजीटी की सिफारिशें हैं वो आपकी सरकार जरूर लागू करे, हम आग लगाने के खिलाफ है, लेकिन किसी पे क्रिमिनल पर्चे दर्ज हो जाए, केस दर्ज हो जाए, उसके हम पक्ष में नहीं है।